दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर गर्जा किंग कोहली का बल्ला, चौके छक्कों की बरसात कर मचाई इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई पंजाब की टीम। तो आखिर कैसे डुप्लेसी के साथ मिलकर विराट कोहली ने उड़ा दी पंजाब की धजिया? क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांते तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया? रोंगटे खड़े कर देने इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और डुप्लेसी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पंजाब के मोहाली में पंजाब के सामने थी विराट की पलटन। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत काफी ज्यादा उत्साहित था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों की दमदार परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए। इस महामुकाबले में एक बार फिर शिखर धवन की अनुपस्थिति में सैम करन को पंजाब की कमान सौंपी गई, जिन्होंने टॉस जीतकर मेहमान बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बेंगलुरु के लिए अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। पिछले मुकाबले की नाकामियों को भुलाते हुए किंग कोहली ने कहर बनकर पंजाब के गेंदबाजों की शामत लानी शुरू कर दी। उन्होंने अपना खाता ही खूबसूरत चौके से खोल दिया था, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। अगले ही ओवर में गेंदबाजी करते आए अर्शदीप सिंह के परखच्चे उड़ाते हुए किंग कोहली ने एक के बाद एक लगातार दो चौके जड़कर गेंदबाजों के तो पसीने छुड़ा दिए थे। पंजाब जहां विकेटों की तलाश कर रही थी, वहां ये दोनों बल्लेबाज तो उनके गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुले हुए थे। जहां एक ओर से अभी तक विराट उनकी पिटाई कर रहे थे, तो अगले ओवर में कप्तान डुप्लेसी ने भी अपने गियर में बदलाव करते हुए ऐसा कहर बरपाया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। आपको बता दें, गेंदबाजी करने आए थे हरप्रीत बरार। सैम करन ने सोचा कि स्पिन के सामने डुप्लेसी और कोहली फंस जाएंगे, लेकिन उनके इरादों पर डुप्लेसी ने केवल पानी ही नहीं फेरा बल्कि उन्हें ऐसा करारे जख्म दी है जिन्हें भर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। हरप्रीत बरार की गेंद को डुप्लेसी ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने तेवर विरोधी टीम को दिखा दिए थे, पर ये तो केवल छोटा सा नमूना था। एक गेंद छोड़कर ही अगली गेंद पर उन्होंने दोबारा कुछ उसी अंदाज में इतना भयंकर छक्का लगाया कि हर कोई हैरान रह गया था। डुप्लेसी के उन दो छक्कों ने विराट कोहली के भी होश उड़ा दिए थे, वहीं पूरा स्टेडियम दंग रह गया था। इस खिलाड़ी ने इस ओवर में 17 रन बटोरे और अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। पंजाब की टीम अपने होम ग्राउंड पर अभी से ही पसीने छोड़ने लगी थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उन पर कोई भी रहम करने के विचार में तो नहीं थे। उनकी भयंकर बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 5 ओवरों से पहले ही उन्होंने अपनी टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हाँ, नाथन एलिस भी इनके कहर से बच नहीं पाए। जहां किंग कोहली ने पहले उन्हें चौके के लिए भेजा, तो डुप्लेसी ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका बटोर कर अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिला दी थी। नतीजा ये रहा कि सैम करन को अब खुद गेंदबाजी आक्रमण पर आना पड़ा। कप्तान ने खुद विकेट चटकाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, लेकिन आज तो दिन बेंगलुरु का था। डुप्लेसी ने करन का स्वागत ही मिड विकेट के ऊपर से तूफानी चौका जड़कर किया था। अब तक उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, वहीं पंजाब के फैंस तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि चौके के बाद सैम करन ने दमदार वापसी करी और इस ओवर में केवल 10 रन दिए, लेकिन उसके बावजूद 6 ओवरों के पावर प्ले में बेंगलुरु ने विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 59 रन बना लिए थे, जहां पंजाब को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। इतने अहम मुकाबले में बेंगलुरु टॉप गियर में चल रही थी, कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पाया था। पावर प्ले खत्म होते ही उन्होंने राहुल चाहर को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंपी और इस गेंदबाज को विकेटों की तलाश थी, और ये बात कोहली और डुप्लेसी भी जानते थे। और ऐसे में उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए कोई भी जोखिम लेना जरूरी नहीं समझा और इस ओवर में संभल कर दोनों ने केवल 4 रन ही बनाए, लेकिन पंजाब को वापसी का मौका नहीं दिया और इस ओवर की भरपाई उन्होंने नाथन एलिस के खिलाफ कर ली, जिनकी गेंद को मेडॉन के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर डुप्लेसी ने अपनी टीम को 8 ओवरों में 74 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं इनके बाद भी मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का आना बाकी है, और ऐसे में बेंगलुरु कम से कम 200 रन बनाकर पंजाब को एक बड़ा लक्ष्य दे सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु क्या प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।